हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट शेट्टी कविती इन 1954 में जो कि आई थी कम्युनिटी हेल्थ के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले हमने कमेटी डिस्कस करी थी, वो थी भोर कमेटी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भोर कमेटी कब आई थी, कब उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी और उसके उसे किसने दिया था, ठीक है। ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें सब चीज़ें बताई थी। तो या एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करें मोर वीडियोस के लिए। और अगर आपको लेक्चर समझ आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलते हैं वीडियो में, आगे डिस्कस करेंगे आज हम शेट्टी कमेटी। सो शेट्टी कमेटी आई थी 54 में। अब क्या है इसके अंदर कि इन 1954 जो गवर्नमेंट ने क्या करा, कंस्टिट्यूटेड शेट्टी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अतावर बालकृष्णन शेट्टी, राइट। सो अतावर बालकृष्णन शेट्टी के अंडर एक कमेटी बनाई गई, तो जो कि क्या थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर थे मद्रास के। तो ये कमेटी का क्यों बनाया, इस कमेटी को बनाया गया रिव्यू करने के लिए कि कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड इनेबलमेंट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, कि नर्सिंग सर्विसेज किस तरीके से काम कर रही हैं, जो उसमें चेंजेस हुए हैं वो कैसे फ़ायदेमंद हैं, फिर क्या चीज़ें चेंज करनी बाकी है। सो इसके लिए कमेटी बनाई गई, किसके अंडर, अतावर बालकृष्ण शेट्टी के अंडर बनाई गई थी, इसलिए इसको हम शेट्टी कमेटी कहते हैं। और ये 1954 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, इसलिए इसको 1954 के ईयर से जाना जाता है। तो चलते हैं आगे कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, इन्होंने क्या क्या पूरा रिसर्च किया, नर्सिंग की जो भी प्रोफेशन थे उस पर पूरा रिसर्च किया, हेल्थ सर्विसेज पर रिसर्च करी कि हमने जो बोर कमेटी ने जो बोला था वो हम करने के बाद क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद इन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशन दी। इन्होंने बताया कि इन्होंने बोला कुछ चेंजेस की नीड है, जैसे कि इनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से इन्होंने बोला कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्कूल ऑफ नर्सेस विद एडिक्वेट टीचिंग एंड सुपरवाइजर स्टाफ फॉर ट्रेन नर्सेस, ठीक है। कि अगर हमें ट्रेन नर्सेस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक स्कूल ऑफ नर्सिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए एक एडिक्वेट टीचिंग फैसिलिटी हमें चाहिए होगी और सुपरवाइजर स्टाफ हमें चाहिए होंगे। सो ये इन्होंने बोला। देन इन्होंने बोला कि प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ नर्सिस टीचर्स, जो भी नर्सिंग टीचर्स हैं उनको एडिक्वेट अच्छे से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वो अच्छे नर्स को प्रिपेयर कर पाए। देन इन्होंने बोला कि डेप्यूटेशन ऑफ 2 to 4 नर्सेज टू अंडरगो हायर स्टडी एंड टू टेक अप कोर्सेज इन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड क्लिनिकल सुपरविजन, ठीक है। देन एडमिशन क्राइटेरिया फॉर नर्सिंग काउंसिल नॉर्म्स, जो क्राइटेरिया है एडमिशन का कि नर्सिंग के अंदर कैसे एडमिशन दिया जाए उसके ऊपर बात करी इन्होंने। इन्होंने फिर बात करी कि जो भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल सुपरविजन है, तो उसके लिए क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, वो ही लोग अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे। देन इन्होंने और बोला था कि एडिक्वेट रिकमेंडेशन फॉर नर्सिंग स्टूडेंट एंड प्रॉपर केयर ऑफ देयर हेल्थ, ठीक है। अकोमोडेशन, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। उनके अकोमोडेशन की ध्यान रखना चाहिए, उनके हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए अगर वो हॉस्टल में रह रहे हैं तो, या फिर वर्किंग है तो उनके हेल्थ ध्यान देना चाहिए। ये रिकमेंडेशन दी थी। एक इन्होंने बोला कि अ नेशनल मिनिमल पे स्केल फॉर नर्सेस मिडवाइफ्स एंड एएनएम, ठीक है। पे स्केल जो है कि सही होना चाहिए अगर नर्सेस के लिए, मिडवाइफ्स की एएनएम की बात करें तो। देन इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन ऑफ नर्सेस, कि जो भी नर्सिंग की वर्किंग कंडीशन है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की बात कही इन्होंने। एंड इन्होंने बोला कि मेल नर्सेस की भी नीड है हमें, तो मेल नर्स को भी ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है कि मेल नर्स भी होना चाहिए कम्युनिटी में, तो उनके ट्रेनिंग के लिए भी इन्होंने बोला। सो ये था शेट्टी कमेटी। शेट्टी कमेटी आई थी 54 में। इन्होंने नर्सिंग के ऊपर बात के ऊपर रिसर्च किया, नर्सिंग प्रोफेशन के ऊपर कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके लिए और क्या क्या करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। सो इनके रिकमेंडेशंस के हिसाब से इन्होंने बोला था कि जो भी हम स्कूल सेटअप करें नर्सिंग का, उसके अंदर क्या होना चाहिए कि एडिक्वेट टीचिंग फैसिलिटी होना चाहिए, एडिक्वेट ट्रेनिंग होना चाहिए जो नर्सिंग टीचर्स हैं उनको, ताकि वो अच्छे से किसी भी नर्स को ट्रेन कर पाए। देन 2 या 4 जो भी डेप्यूटेशन ऑफ टू टू फोर नर्सेज टू अंडरगो हायर स्टडी एंड टू टेक अप कोर्सेज इन टीचिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, ठीक है।
कि अगर हम हायर स्टडी के लिए नर्सेस को भेजें तो क्या होगा कि वो एक अच्छी टीचिंग सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करा पाएंगी। देन इन्होंने बोला कि क्राइटेरिया जो है काउंसिल नॉर्म के हिसाब से क्राइटेरिया बताएगी कैसे नर्सिंग जो करियर है उसमें हम किस किस को एडमिशन दे सकते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इन्होंने इस पर बात करी। देन इन्होंने बोला कि जो भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, उनके लिए हॉस्टल्स, उनके लिए अकोमोडेशन की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। देन इन्होंने पे स्केल की बात करी। देन इन्होंने बोला कि मेल नर्सेस को भी ट्रेनिंग देने की बहुत ज़्यादा नीड है। इन्होंने फिर ऐसे कुछ और भी बातें बोली थी, जैसे इन्होंने बोला कि पार्ट टाइम वर्किंग फैसिलिटी होना चाहिए नर्सेस के लिए। देन इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम की भी बात इन्होंने बोली थी कि हम नर्सेस को इन सर्विस एजुकेशन भी देना चाहिए ताकि क्या हो कि जो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ सर्विसेज है ना वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो पाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट शेट्टी कमेटी। अगर आपको समझ आया तो लाइक करें, और अगर कोई लेक्चर में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट आगे भी हम और कमेटीज़ को डिस्कस करेंगे, तो कंटिन्यू सीरीज वाइज आप कमेटी वाली जो वीडियोज़ हैं उनको देखते रहिएगा।